एनी सारा दिन तुम घर में कैद रहती हो। जब से तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, घर की जिम्मेदारियां तुम पे पड़ गई हैं। तो एनी, मैं सोच रहा हूं कि मैं जिम्मेदारियों से नहीं घबराती। ये बताओ कि सोच क्या रहे थे। हाँ, सिर्फ मेरी मोहब्बत की शिद्दत से घबराती हो तुम। अच्छा एनी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम स्टूडियो चले। स्टूडियो? मगर क्यों? क्योंकि एनी, उस बेचारे को तुमने मेरी तरह भुला दिया है। और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें भुला रखा है? हाँ तो और क्या है एनी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम तो क्या? कुछ नहीं। फिर कभी बताऊंगी। क्या सोच रहे हो अब? चलो स्टूडियो नहीं चलना। बहुत ही जालिम हो, ठीक से देखने भी नहीं देती। यानी तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, कभी इस नाच चीज की भी तारीफ कर दिया करो। अच्छी बीवियां अपने शोहर की तारीफें करती हैं ताकि वो डायरेक्ट जन्नत में जाए। अच्छा जी, लेकिन मैं तो अभी भी जन्नत में ही हूँ तुम्हारे साथ। आप चले? बदर बहुत ख्याल रखता है इस जगह का। हाँ, नजर आ रहा है कि वो कितना ख्याल रखता है। मैं काफी दिनों बाद आई हूँ और कह रहा था कि सारी चीजें अपनी जगह पर हैं और सफाई भी है। तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। शहरयार का हादसा ना हुआ होता तो हम उसे सेलिब्रेट करते, फिर सारी दुनिया देखती कि अफगान अपनी बीवी की कामयाबी की खुशी कैसे मनाता है। आपकी खुशी मेरे लिए काफी है। एनी, अब शराफत से वक्त निकाल के तुम यहां आया करो। जो तुम्हारी अधूरी पेंटिंग्स हैं उन्हें मुकम्मल करो। अफान, अब पेंटिंग का कहाँ टाइम मिलता है? उमर बड़ा हो गया और इतनी शरारतें करता है कि उसे संभालना पड़ता है। एनी, उम्र का बहाना मत करो, उसे फौजिया देख लेती है। तुम्हें अपने आप को टाइम देना है, अपने हुनर को टाइम देना है, अपने अंदर के आर्टिस्ट को मरने मत देना, प्लीज। ठीक है, मैं आ जाया करूंगी लंच के बाद। हाँ ठीक है, वो टाइम मुनासिब रहेगा। अफान, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे किन किन एहसानात का बदला उतारूंगी मैं। मियाँ बीवी के एक दूसरे पे कोई एहसानात नहीं होते, समझी? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? आपका साथ किसी मेहरबान, किसी सायादार दरख्त की तरह है मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए। एक मिनट, बेटे की बात मत करो, वो मेरा भी बेटा है, उस पर मैं कोई एहसान नहीं करता। हाँ, तुम अपनी बात करो। और क्या कह रही थी तुम? तुम मेरे साथ जन्नत में हो? ठीक ही तो कह रही थी मैं। एमल, बेटा मैं तुम्हें घर ले जाने आई। बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे मां बाप के साथ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मम्मी प्लीज, ये
प्लीज ऐसा मत करें। ससरा बहन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? गुनाहगार हूँ आपकी बेटियों की, इसलिए खुदा ने मुझे ये वक्त दिखाया। मुझसे मेरे दोनों जवान बेटे छीन लिए, मेरा हंसता बसता घर वीरान हो गया। साखरा बहन, ऐसा हरगिज नहीं है कुछ। और दूसरी बात यह है कि इंसान अपनी उम्र तो लिखवा के लाता है ना, आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? कसूरवार तो मैं ही हूं भाई साहब। आप एमल से कहें कि मुझे माफ कर दें। मम्मी प्लीज, भूल जाए सब कुछ, मैं भी भूल चुकी हूँ। भूल चुकी हो तो फिर घर वापस क्यों नहीं चलती? नहीं मम्मी, मैं वहां नहीं रह सकती। शहरयार के बगैर मेरा वहां रहना नामुमकिन है। वहां मेरी शहरयार के साथ बहुत सी यादें हैं जो मुझे वहां शहरयार के बगैर रहने नहीं देंगी। मम्मी प्लीज समझे। और यहाँ अम्मी बाबा को मेरी बहुत जरूरत है। हमारी फिक्र मत करो एमल, हम लोग पहले भी तो रहते थे। हाँ लेकिन अम्मी, अब मैं हूं ना आप लोगों के साथ। अरे बेटा, बाबा प्लीज। अच्छा ठीक है अमल, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा गाड़ी तो रख लो। ये समझ लेना कि शहरयार ने भिजवाई है। अगर तुम ये कबूल कर लोगी तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ कर दिया। भाभी, मम्मी इतने प्यार से कह रही है, प्लीज रख ले। मेरा शहरयार होता तो आज कितना खुश होता। मेरा बच्चा मुझसे मिन्नतें करता रह गया कि मैं तुम्हें कबूल कर लूं। और मैं बहुत जल्दी में हूं। हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन सुना है आजकल तुम और मम्मी एमल के घर के बहुत चक्कर लगा रहे हो, खूब माफी तलाफियां हो रही हैं, उसकी आगे पीछे जा रहे हो। तुम लोगों को मैं नजर नहीं आती? वैसे खूब जादू चल रहा है दोनों बहनों का। हाँ तो, और तुम्हें कब इशू नहीं होता उनसे? महरोज भाई इस दुनिया से गए तो तुमने एनी को अपना लिया, और शहरयार इस दुनिया से गया और तुम और मम्मी एमल के आगे पीछे मरे जा रहे हो। तुम लोगों को मैं नजर नहीं आती? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे तुमने शहरयार से शादी कर ली ब्लैकमेल करके, अब सब कुछ हासिल कर तो लिया, अब और क्या लालच है तुम्हें? मैं लालची नहीं हूँ आफान, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और शहरयार के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। आफान तुम समझते क्यों नहीं हो? हाथ छोड़ो मेरा, अपनी हद में रहा करो। तुमने कभी मुझे अहमियत नहीं दी। बचपन साथ गुजरा है हमारा, हर अच्छे दोस्त रहे हैं हम लोग। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुमने मुझे हर बार ठुकराया आफान। आयमा, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं। ये मत भूलो कि तुम मेरी अब भाभी हो।
भाभी तो तुम्हारी ऐनी भी थी, लेकिन महरोज भाई के जाने के बाद तो तुमने उन्हें अपना लिया ना। आई नो, कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अफान कि अब मैं आजाद हूं और सिर्फ तुम्हारी मुंतजर हूं। खबरदार, खबरदार जो आइंदा ये हरकत करने की कोशिश भी की थी। बेटा, बेटा मेरा ख्याल है कि तुम्हें फाखरा बेगम की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। बाबा, सब कुछ जानते हुए भी कि उन्होंने मेरे साथ माजी में क्या किया है, उसके बाद भी आप क्या पता हर बार की तरह वो इस बार भी कोई नाटक कर रही हो, कोई मफाद हो इसमें भी उनका। ऐसा मत सोचो इमल, कोई माँ अपने दो बेटों का जनाजा देखकर भी ना बदले, मुझे ऐसा नहीं लगता। इमल बेटा, समझने की कोशिश करो, गलतियां तो हम सबसे होती हैं और अल्लाह पाक हमें माफ कर देता है, और हमें भी तो यही हुक्म है ना कि किसी को माफ कर देना सबसे अफजल चीज है। बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फाखरा बेगम ने अपने दो बेटों के जनाजे देखे, और इस किस्म की चीज जो है इंसान को तोड़ देती है, बदल देती है। बेटा, तुम भी अपना दिल बड़ा करो और उन्हें माफ कर दो। कर तो दिया है बाबा, उनकी दी हुई गाड़ी भी ले ली है, अब मैं और क्या कर सकती हूँ? बस मैं उन पर एतबार नहीं कर सकती। बेटा, अगर फाखरा बेगम की ख्वाहिश है कि दफ्तर में शहरियार की जगह तुम संभाल लो, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें यह ऑफर उनकी कबूल कर लेनी चाहिए। मुझे तो लगता है वो सचमुच बदल गई हैं। कितना गरूर था उनके अंदर, लेकिन अब देखो कैसे ढल गई है वो औरत। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है बेटा, इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, बदल देता है। अब आप दोनों क्या चाहते हैं? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम सब कुछ छोड़ के अपना घर बसाओ। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? गुजार सकती हूँ, शहरियार के नाम पर मैं सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। हाँ, मैं हो रही हूँ जज्बाती, और आप लोगों को मेरे इमोशन समझने होंगे। प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखें आप लोग। ठीक है बेटा, तुम्हें हम मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन देखो वालदैन जो होते हैं वो सारी उम्र साथ नहीं रहते, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में तुम्हें बहुत मजबूत और अपने पैरों पर खड़ा देखें। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे।